चैनल TTN24 और मैं श्रुति। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बोकारो से, जो है स्टील एम्प्लॉय कोऑपरेटिव कॉलोनी के द्वारा विगत कुछ दिनों पहले सोसाइटी के रहने वाले मेंबरों को कमर्शियल मापी को लेकर के एक पत्र भेजा गया, जिसमें RWA के नमो को भी बोकारो स्टील एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जोड़ा गया, जिसके चलते वहां के प्लॉट होल्डर में सवाल उठने लगा कि क्या RWA और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक साथ काम कर रही है। क्या RWA या कोऑपरेटिव सोसाइटी मर्ज हो गया है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, शनिवार को ही मुझे आपके द्वारा पता चला है, तो अभी जांच चल रही है, जैसे जानकारी मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगी इसके बारे में। एक मैम एक छोटा सा सवाल है, RWA और कोऑपरेटिव हाउसेस सोसाइटी का जो लेटर आती है हर से नोटिस, उसमें RWA क्या इसमें दखल दे सकती है अपने उसकी कार्य में? देखिए, इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि RWA का कोई भी लेटर मुझे नहीं मिला है, DCO को इसकी कॉपी नहीं आई है, ना ही सोसाइटी द्वारा मुझे कॉपी मिली है। अगर चूंकि संज्ञान में आ गया है तो मैं इस पर कार्रवाई करूंगी, जांच मैंने अभी लगाया है, देखते हैं उस पर रिपोर्ट क्या आता है उसके बाद। हाल में एक लेटर निकला था नापी को लेकर के, उसमें RWA इन्वॉल्व है, तो क्या इससे लेटर से साफ जाहिर होता है कि RWA मर्ज हुई है? बिल्कुल नहीं। तो RWA का क्या रोल है? आपकी गलतफहमी है। क्या उसमें उनका रोल क्या है? हमारे स्टाफ, इतने लोग स्टाफ में नहीं है, वो 450 घर में जाके मेजरमेंट करें कि ऑर्डर निकाले हैं कमर्शियल वाला, वो जो हम लोग मेजरमेंट कराना चाहते हैं, उसमें RWA का दो लड़का इन्वॉल्व है। ठीक है, एज आई एक्सप्लेन टू यू, तो हम आपको अभी बता चुके हैं 10 मिनट पहले, हमारे पास उतना स्टाफ नहीं है कि एक एक घर जाके, लेकिन उसमें हमारा 2 आदमी रहेगा, एक डायरेक्टर हमारा ओवरऑल इंचार्ज रहेगा होल ऑपरेशन का, वो लोग 2 RWA वाला हम लोगों को असिस्ट करेगा, हम लोग जाके मेजरमेंट लेंगे। दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, यही आप इनको ये भी बोले आपको, यही हम भी बोले। पहले क्लब में हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का बोर्ड लगा करता था, अब वो बोर्ड हट करके RWA का बोर्ड, मेन RWA का बोर्ड किसी मकान में लगा दिया, तो मकान का बोर्ड चाहे तो नोच के फेंक दे या छोड़ दे, लगा दिया, वी इग्नोर दैट, लगा दिया तो लगा दिया, हम सबसे लड़ते रहे और मेरा कोई काम नहीं है। अच्छा, एक सवाल, शॉपिंग सेंटर में सिर्फ शॉपिंग सेंटर का दुकान का अलाउ किया गया था, क्या उसमें मकान कैसे बना? मैं नहीं जानता, मैंने नहीं बनवाया, नहीं बनवाया, किसी और ने बनवाया। ये बहुत पुरानी बात है, इसमें कुछ लोग गड़बड़ किए हैं। अब देखिए, जैसा कि माना ये है कि एक आदमी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का कमर्शियल ये था, उसको रेसिडेंशियल करके उसमें मकान बना लिया, उसमें ये हम लोगों के टाइम का बात नहीं है, ये इसके पहले जब VP सिंह और ये लोग थे उसी समय का बात है ये, और लोग अपना फॉर्मेलिटीज किए रजिस्ट्रार उस्तार से वो सब करा के, समझे, लेकिन वो गड़बड़ है, लेकिन ये हम लोगों से बहुत पहले, कोऑपरेटिव सोसाइटी आज का नहीं है, वो 50 साल से ज़्यादा हो गया हमारा, तो हम सारे डायरेक्टर और सारे बोर्ड का जवाब हम लोग दोनों आदमी नहीं दे सकेंगे आपको, किस सर्कमस्टांसेस में किसने क्या गड़बड़ किया है, उसमें यदि जाएंगे हम लोग तो हम दोनों का जिंदगी मुश्किल हो जाएगा, यही करते रहे।
इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है फिरोजाबाद से, जहां पर जिले के NH2 थाना शिकोहाबाद क्षेत्र व थाना सिरसागंज क्षेत्र पचपेड़ा से धातरी तक एक दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। घने कोहरे के चलते पचपेड़ा गांव से धातरी तक एक दर्जन वाहन टकरा गए हैं। आधा दर्जन लोग इस दौरान घायल हो गए। पुलिस NHI टीम बचाव और राहत कार्य में जुट गई है। वहीं हादसे वाली जगह पर खड़े ग्रामीण चीख मचाकर आने वाले वाहन को सावधान कर रहे हैं। जगदीश, क्या घटना हुई है? ये मैक्स से मैक्स टकराई है, गाड़ी टकराई है रोड पर। कौन घायल है, कितने लोग घायल है इसमें? अब ये तो हमारा ना, कितने लोग घायल है? आपका कौन घायल है? हमारा ये भाई है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सिरसागंज से नौसर आ रहा था। फिर कहाँ हुआ एक्सीडेंट? धात्री से। क्यों हुआ एक्सीडेंट, कहाँ पता चला? दिखाई नहीं दिया। रिंकू, यहाँ क्या हुआ है? ये जो रोड पे होटल से गाड़ी निकाल के सीधा सीधा बैक कर रहा था बिल्कुल जी। तो हम, आप देख रहे हो गाड़ी जब कोहरा कट रहा है तो बंदा लाइट देख के और ये पट्टी देख के चलाएगा जी। अब एकदम कोई रोड पे ऐसे करके खड़ा हो जाएगा, भाई गाड़ी रोक ले तो दिखाई दे रहा है कुछ। फिर क्या हुआ, कितनी गाड़ी टकरा गई? कम से कम 10 गाड़ियाँ। 10 गाड़ियाँ टकरा जी। कितने लोग घायल हुए हैं गाड़ी? अब भाई 2-3 लोगों की मुझे पता, बाकी नहीं पता। क्या घटना हुई मुकीम भाई? रोड पे कोहरे को जैसे एक ट्रक खड़ा था, उसमें जाकर लग गया, दिख नजर नहीं आया, वो खड़ी थी। कितनी गाड़ी टकराई है? 12 गाड़ी। तो कितने लोग घायल है आप लोग भाई? मुझे तो दो के पता है, और कुछ मालूम नहीं है। तो ये चालक और परिचालक दोनों घायल है? चालक रोड, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों घायल है क्या? इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बांदा से, जहां पर बुंदेलखंड में मंगलवार दिसंबर के तीसरे सप्ताह साल 2022 के आखिरी दिनों में आज फिर से घना कोहरा छाया रहा। कड़ाके की सर्दी, गलन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। आज सुबह से ही आसमान में घना कोहरा छाया रहा है। रोड में आने जाने वाले वाहन अपनी अपनी गाड़ियों की लाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बलिया से, जहां के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में बना नगर पालिका का मैरिज हॉल अय्याशी का अड्डा, और यहां हुआ हंगामा। नगरवासियों ने युगल जोड़े को कमरे से पकड़कर किया पुलिस के हवाले। नगरवासियों ने कमरा का ताला खुलवा कर आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। नगरपालिका लेखा लिपिक पर कमरा दिलवाने का आरोप, वहीं नगरपालिका कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। रसरा कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुटी हुई है। एक जोड़ा आपत्तिजनक स्थिति में नगर पालिका के मैरिज हॉल में पकड़ा गया है, क्या कुछ प्रकरण है और क्या कुछ कार्रवाई नगर पालिका द्वारा? हमें तो अभी कोई पता नहीं, अभी पहुंच रहे हैं, तो आप सबके जरिए हमें पता लगा है, उसके हम बारे में तुरंत हम तत्काल पता लगाते हैं क्या मामला है। इस मामले में जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, अगर दोषी पाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। अपना परिचय बताइए। हम अवधूत ठाकुर नगर पालिका रसड़ा। क्या नगर पालिका में क्या कार्य करते हैं? नगर पालिका में चपरासी का काम है। इस समय आप कहाँ पे हैं? इस समय हम मैरिज हॉल पर हैं। मैरिज हॉल पे देखा गया कि एक युवक और एक युवती, इसमें कुछ पकड़े गए हैं, क्या मामला है? सर, पकड़े नहीं गए, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। मतलब कि जैसे कि अब कभी कोई हमारा रिश्तेदार आता है, कभी कोई मतलब कि आते जाते लोग रहते हैं, तो मतलब कि ये भी आए थे तो कहे प्रदीप बाबू को दवाई वही करना है, थोड़ा सा आधा घंटा तुम तब तक खाना बनाओगे तो ये लोग रहेंगे, फिर मतलब कि ये लोग चले जाएंगे, कोई दवाई वही के लिए आना है। रिश्तेदार हैं? नहीं, हमारे रिश्तेदार नहीं। किनके संबंधी बताया जा रहे हैं? आए हैं राहुल जी हैं, प्रदीप बाबू फोन किए थे हम पे कि राहुल जाएगा, तबीयत किसी का खराब है। प्रदीप जी वही नगर पालिका में रहते हैं। यहाँ उपस्थित 2-4 युवक हैं, उन वो बता रहे हैं कि गलत हरकतें करते हुए पकड़े गए। अब ऐसा तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो खाना वाना बना रहे थे, अभी जूठा हाथ भी है थाली में, और सब्जी चावल लिए भी हैं, सब्जी चावल सब्जी लिए हैं। नगर पालिका का मैरिज हॉल किस लिए बनाया गया? यहाँ पे शादी विवाह होता है कि किसी के ठहरने के लिए? शादी विवाह जरूर होता है। ये फिर कहाँ से होती है? आपके पीछे देखी जा रही है कि होती है, कैसी होती? नहीं नहीं, ऐसे तो मान लीजिए अभी कभी किसी के रिश्तेदार आते हैं, कभी हमारे रिश्तेदार आते हैं, जब हम हैं तो कोई ना कोई तो आएगा सर जी। अब ऐसे स्टाफ का भी कोई आता है तो 2-4 घंटा मतलब रिश्तेदार रह ही जाता है, किसी की तबीयत खराब होती है, किसी
मतलब कि बीमार पड़ता है या कोई मतलब कि ऐसा भी हुआ है सर जी कि जैसे हमारे रिश्तेदार आए गाड़ी घोड़ा नहीं मिला रात को रुक गए तो ऐसा सर जी होता रहता है। आपके रिश्तेदार को कोई नहीं रोका गया ना? नहीं सही, बच्चों के लिए क्यों पकड़े जा रहे हैं? अब तो तस्वीर आपके ऊपर, किस हालत में ऊपर हमारे सामने बताइए। हम जब ऊपर गए थे, आप जवाब दीजिए, हम जब ऊपर गए थे तो आप खाना नहीं खा रहे? नहीं सर, हम तो खाना बना क्यों रहे? नहीं सर, बना रहे थे। छुपा क्यों रहे थे? हाँ नहीं सर, हम कोई छुपा नहीं रहे हैं। जो भी मैं तो मैंने ताला आपका है, हमने खोला, आपको सर मैं दिखाया। हमने पूछा है कि भैया ये कौन है, तो आप सीधा बात कहे कि प्रदीप जी भेजे, हम नहीं जानते। भेजे नहीं सर, वो कहे कि तबीयत किसी की खराब है उनका, तो राहुल एक आदमी को लेकर के तबीयत खराब है। हाँ यहाँ क्यों भेजे? नहीं सर ठीक है, तो वो हमारे स्टाफ है, सीनियर है सर, तो मतलब की ये तो उनके कहने पे आपने इन दोनों को ठहराया? मैंने ठहराया नहीं सर जी, वहाँ वो मतलब आकर रुके हैं और रिश्तेदार। कितने देर से बता दी, कब से रुके हैं? रात से? नहीं नहीं अभी सर, हमको 20 मिनट से आधे घंटे से अधिक होगा। हम खाना भी खा रहे थे सर जी, तो ये लोग कहे कि अब हम लोग जाएंगे अभी ना, न अब मतलब कोई किसी तबीयत खराब थी कि क्या था, अब मतलब यही मतलब है कि हम लोग। मैं आशुतोष जयपाल, फिलहाल एक मामला नगर पालिका मेरे ख्याल में हुआ था, आप लोग उपस्थित थे, क्या कुछ प्रकरण था? मैं उधर अपने किसी कार्य की वजह से उधर जा रहा था, उस रास्ते में तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पे सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ आपत्तिजनक कार्य हो रहा है जो नगर पालिका का मैरिज हॉल है उसके अंदर, तो वहाँ पे मैंने आवाज़ लगाई नगर पालिका के जो कर्मचारी थे उनको कि नीचे आइए और क्या हो रहा है वहाँ पे बताइए। तो कुछ देर बाद 10-15 मिनट बाद करीबन आए, नीचे का ताला खोले, उसके बाद से हमको लेके ऊपर गए। जब ऊपर गए तो उन्हीं के द्वारा मैं उस कमरे का दरवाज़ा खुलवाया, जब दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर देखा कि दो जोड़ा मतलब एक लड़का और एक लड़की आपत्तिजनक रूप में पाए गए। फिर जब हमने उन कर्मचारी से पूछा कि किसके कहने पर आपने ये सब काम कराया है, तो उन्होंने बताया कि जो लेखा लिपिक हैं उनका फ़ोन आया था मेरे पे और उन्होंने कहा है कि कमरे की व्यवस्था करा दीजिए इन लोग को, तो उनके कहने पे हमने कराया है। कहाँ के लेखा लिपिक है वो? जो आदर्श नगर पालिका रफड़ा के लेखा लिपिक है। क्या नाम है उनका? प्रदीप गुप्ता। फिर आपने वहाँ से क्या? फिर हमने पत्रकार लोग को सूचित किया और थाने पे सूचित किया, वहाँ से महिला कांस्टेबल और पुरुष कांस्टेबल आए और उन लोगों को लेके गए। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर, आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN24 के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।